हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर के डिपो में तैनात परिचालक द्वारा ड्यूटी के दौरान शराब का सेवन करने के बाद सवारियों से अभद्र व्यवहार करने के मामले में आरएम हमीरपुर ने उसे सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि देर रात हमीरपुर से चंद्रुई के लिए निर्धारित बस नंबर HP 6751 वासी रूट पर सुनील कुमार बतौर परिचालक ड्यूटी पर तैनात था। बस जब हमीरपुर बस अड्डा से चली तो परिचालक एक सवारी से टिकट के खुले पैसे देने को लेकर उलझ गया और बस में सवारियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा। इस दौरान परिचालक सुनील कुमार ने सवारी से खुले पैसे ना होने पर बस से उतरने के लिए कह दिया। इतने में सवारियों ने इसकी शिकायत HRTC हमीरपुर के आरएम विवेक लखनपाल से की। विवेक लखनपाल ने भी बस के चालक को आदेश दिए कि जब तक वह मौके पर नहीं पहुंच जाते तब तक बस को वहीं पर खड़ा रखे। आरएम हमीरपुर तुरंत बड़ूग में पहुंचे और उन्होंने परिचालक पर कार्रवाई करते हुए उसे वहां से ले गए। साथ ही बस रूट के लिए दूसरा परिचालक उसी समय नियुक्त कर गाड़ी को रवाना किया। आरएम हमीरपुर ने परिचालक सुनील कुमार का मेडिकल हमीरपुर अस्पताल में पुलिस के समक्ष करवाया। इसके बाद पुलिस ने सैंपल जुनगा लैब में जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि वहां से पुख्ता रिपोर्ट विभाग के पास पहुंच सके। आरएम हमीरपुर विवेक लखनपाल ने कहा कि ड्यूटी के दौरान कोताही सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान सुनील कुमार बतौर परिचालक ने शराब पी रखी थी और उसका मेडिकल अस्पताल में करवाया गया है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान कोताही बरतने पर उसे पद से सस्पेंड कर दिया गया है। चलता है 8:10 पे हमीरपुर से चंद्रुई के लिए, तो इस पे हमें शिकायत मिली कि जो कंडक्टर हैं सुनील कुमार, उन्होंने मदरा का सेवन कर रखा हुआ है और लोगों के साथ बदतमीजी के साथ पेश आ रहा है। तो तभी हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर्स को साथ लेके उसको बड़ू नामक स्थान पे चेक किया और देखा कि उसके मुंह से मदरा की बदबू आ रही थी। तो उस गाड़ी के साथ हमने दूसरा कंडक्टर डिप्लॉय कर दिया जिससे आम सवारियाँ जो बस में जा रही थी उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े और उसको तुरंत ही हमीरपुर हॉस्पिटल में ला के पुलिस की मदद से उसका मेडिकल करवा दिया गया है और उसके खून के और पेशाब के नमूने ले लिए गए हैं जिनको जुड़गा भेजा गया है और तब तक के लिए उस कंडक्टर को जो है सस्पेंड कर दिया है। विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ बाकी भी जो कंडक्टर हैं या ड्राइवर्स हैं जो भी है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी मजरा का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा काम ना करें।